नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया। भाभी जी कल से दूध देने नहीं आ पाएंगे। क्यों, सब ठीक तो है ना भैया? अरे गांव वापस जा रहा हूँ ना। गांव क्यों जा रहे हो भैया, आपका तो काम ठीक चल रहा था ना दूध का। अरे काम तो बढ़िया था भाभी जी, बस अपने उधर ही गांव में ही ना डेयरी खोलेंगे, वहीं पे जमाएंगे अपना काम। अब बीवी बच्चों से दूर इतने दिन बहुत हो गया। अरे सुनना जरा यार, ये भैया कल से आएंगे नहीं, ये बोल रहे अपने गाँव जा रहे हैं, इनको काम है। एक मिनट, तेरा गांव तो यहीं पर है भाई। जी भैया, जहाँ से तू दूध लाता है, जहाँ तूने गाय भैंसे पाली हुई हैं, तू कहाँ जा रहा है गांव में? हाँ भैया। नहीं, हमारा गांव यहाँ कहाँ है भैया? हमारा गांव तो 1600 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और ना हमने यहाँ कोई गाय भैंस पाली हुई है। दूध कहाँ से लाता है तू? दूध तो पैकेट का बिकता है ना दुकान पे, वहाँ से लाते हैं, पैकेट फाड़ते हैं, ढोलची में डाल के आपको दे देते हैं। इसमें गाय भैंस पालने की कहाँ जरूरत है भाभी जी? क्यों का बताओ यार, हद हो गई है, क्या जमाना आ गया है। मतलब तू 55 रुपए का दूध खरीद के वहाँ से पैकेट का हमें यहाँ पे 65 रुपए में बेच रहा है? बहुत बड़ा धोखा किया भाई तूने तो। नहीं, ईमानदारी तो हम पूरे हैं। काहे की ईमानदारी रहेगी भैया, पैकेट का दूध पिला रहे हो आप। अब उस पैकेट का ला के जो का तो आपको दे देते हैं, आपके पड़ोसी है ना रोड़ा भाभी, इनके में तो मैं पानी भी मिलाता हूँ, मुनाफा डबल। मिसेस अरोड़ा का तो दूध, उस दूध में पानी भी मिला के दे रहा है तो मिसेस अरोड़ा के? आपके साथ तो ईमानदारी है। मिसेस अरोड़ा का तो दूध, उस दूध में पानी भी मिला के दे रहा है तो मिसेस अरोड़ा के? आपके साथ तो ईमानदारी है भाभी, इतने दिनों। अबे तूने तो बहुत बड़ा जुल्म कर दिया भाई। क्या हुआ भैया, तू नहीं बचेगा मेरे हाथ से। कैसी बातें कर रहे हो, वो मिसेस अरोड़ा के दूध में पानी मिलाए, जहर मिलाए, तुम्हें अपने दूध से मतलब रखो ना। अरे पता, मिसेस अरोड़ा के दूध में पानी मिला रहा है यार ये। पता नहीं क्या, मिसेस अरोड़ा का नाम सुन के ऐसे तिल मिला जाते हो। देखो इसे, हमारा कितना उल्लू काटा इसने अब तक दूध के नाम पे, पैकेट का दूध पकड़ाया। बताओ तुझे मैं बताता हूँ, ये तुम पूरा पूरा दिन टीवी के सामने बैठ के न्यूज, रैली, इंटरव्यू देखते रहते हो, पकते नहीं हो तुम? अरे देश में इलेक्शन का टाइम चल रहा है। ऐसा क्या है इसमें? देश का नेता चुनना है भाई, बच्चों के भविष्य का सवाल है, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का भी कोई फर्ज होता है नहीं होता है, वो भी तो फर्ज निभाना है हमें। चुप रहो तुम, पहले ना ठीक से रिस्पॉन्सिबल फैमिली मैन बन जाओ। हैं, तुमसे कोई काम कहते हैं ठीक से, तुम वो काम तो करते नहीं हो, बोल बोल के थक जाते हैं पूरा दिन। हैं, भाने बाजी टाल मटोल करवा लो, सोफे पे पड़े रहोगे या बेड पे पड़े रहोगे? गड्ढा कर दिया तुमने बेड में, पता है तुम्हें, हिलना है नहीं है। एक मिनट यार, मैं भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं भी एक अच्छा नेता बन सकता हूँ, पता है तुम्हें? अरे यही सारी क्वालिटी तो होती है एक नेता के अंदर, जो तुमने अभी गिनवाई है। मतलब मैं बेड और सोफे से नहीं हिलता, वो लोग कुर्सी नहीं छोड़ते, बात तो सेम है। क्यों? देश की समस्याओं को दूर करने का काम होता है एक लीडर का, और तुम तो रोज एक नई प्रॉब्लम पैदा करने में नंबर वन हो। अपने खुद की उलझनों को सुलझा लो, खुद की समस्याओं को खुद से दूर कर लो, तब बनोगे नेता। नेता बनेंगे ये आए बड़े नेता बनने वाले। जानती हो हमारी सोसाइटी के प्रेसिडेंट कोमा में चले गए। अरे जिजी, अब जिन लोगों के पास पैसा हो वो तो कितों भी जा सकते, कोनो बड़ी बात नहीं है। जिजी, हमसे ना आज से इंग्लिश में बात करियो। ओके, वेट, 55 केजी एंड यू